और आपका आज वीडियो स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है गौरव ने और वीडियो का टाइटल है जब एक मुस्लिम युवक को पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी ने दिया उपदेश। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो से पहले लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल के इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। जावीर खान जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे पता है ये काम गलत है और इसे करने से मुझे पछतावा होगा, फिर भी मैं उसे कर देता हूँ और जो सही है उसे करने से मुझे खुशी मिलेगी वह नहीं कर पाता। ऐसा क्या करना होगा कि जो चाहो वही करो? उत्तर तो कई बार दे चुके हैं पर इसका हम फिर पुनः उत्तर दे देते हैं। जो हम जानते हैं कि ये नहीं करना चाहिए पर उसमें अंदर से सुख बुद्धि रहती है कि जैसे हम मानते हैं गलत है पर इसमें सुख मिलेगा, ये अंदर छुपी हुई वासना है। हम गलत नहीं करना चाहते पर हमें वो सुख भोग की लालसा हमसे गलत कराती है। वो खान पान कोई भी क्रिया हो, जो भी क्रिया होगी उसमें आंतरिक उसमें सुख मिलेगा, ये आंतरिक हमारे बैठा हुआ है। अब इस आंतरिक बैठे हुए अज्ञान को हटाने के लिए हमें ज्ञान की जरूरत है और वो होगा भगवान के प्रेमी जनों के वचन सुनो और नाम जप करो। सत्संग जरूर सुनना चाहिए। मैं तो मुस्लिम हूँ तो मुझे अपने आप ये बताओ कि भोजन पाना होता है ना, उसमें हिंदू मुस्लिम होता है क्या? तो हम तो मतलब और ग्रंथ तो पढ़े नहीं हैं लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि जैसे जो ऊंची कोटि के महापुरुष हैं वो सब भगवान को जो जानते हैं वो कभी ऐसे आचरणों का आदेश नहीं करेंगे कि आप गंदा व्यभिचार करो, आप गंदे आचरण वाले बनो। मुझे लगता है ऐसा तो कोई भी महापुरुष नहीं बोलेगा किसी भी जगह का। तो अगर आप अपने ही ग्रंथ को पढ़े उसके आचरण उतारे, अब हमें तो ज्ञान नहीं कि उसमें क्या क्या लिखा है, कभी ऐसा न संयोग बना है ना हमारे पास कभी वो सानिध्य मिला। कुरान शरीफ कहते हाँ कुरान, कभी ऐसा सानिध्य नहीं मिला कि हम उसको स्वाध्याय करके देखें, पर हम अनुमान से कहते हैं। जैसे अपने सदग्रंथों को पढ़ा और गुरुवाणी जी को पढ़ा जो महापुरुषों सिख महापुरुषों हाँ, तो हम सब जगह देखा कि एक ही बात पाई गई है, नाम सुमिरन और सेवा, सबकी सेवा, संत सेवा, जगत सेवा, इसी से भगवत सब मतलब सार बात सब जगह मिली है कि भगवान सुमिरन और सबको भगवत भाव से सेवा, ये हमने पाई है। तो बच्चा अगर ब्रह्मचर्य संयम नाम जप तो आप तेजस्वी हो जाओगे, आप बलवान हो जाओगे। देखो आप गंदे आचरण करते हो तो आपका मन खिन्न होता है कि ना? मन तो हमें लगता है किसी सीमा में नहीं बंधा, तन भले सीमा में बंधा हो कि आप अमुक जगह जन्मे आप अमुक जगह जन्मे लेकिन मन तो सबका है। और ये मन जब गंदे आदतों में जाता है, देखो बहुत बढ़िया बच्चे हो तुमने पकड़ा ना कि जो करना चाहिए वो ये मन नहीं करता, जो नहीं करना चाहिए वो करता है, इसका मतलब है तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा, तुमने पकड़ा ना ये बात। तो बस इस बात को पूर्ण करने के लिए तुम अपना ही जपो, जो तुम्हारा नाम है वही नाम जपो अपने इष्ट का और अच्छे आचरण बन जाओ। अच्छे आचरण में अच्छा ये कपड़ा तुम पहनो या कोई हिंदू पहने, ये कपड़े में कोई भेद है क्या? कपड़ा तो नहीं है ना, ऐसे ये शरीर बच्चा कपड़ा है आत्मा का, ये शरीर आत्मा का, तो आत्मा ब्रह्म स्वरूप और शरीर पांच भौतिक, ये बीच की मेड़े हैं। अगर हम सुधार कर लें तो हम सब एक हैं, अनेक नहीं हैं, हम एक हैं। क्यों सब मानते हैं बात, हम सब एक ही प्रभु के बच्चे और हम तुम्हारा हृदय से स्वागत करते हैं कि आप यहाँ आकर के सत्संग सुनने की चेष्टा की। आप अच्छे बच्चे हो, किसी गलत आचरणों में न फंसकर अच्छे आचरण वाले बनो, अपने ही ईश्वर का नाम लो और अच्छे चरित्र वाले बनो, किसी को दुख दे। देखो आपके शरीर को दुख दिया जाए तो दुख होता है ना, ऐसे बच्चा किसी भी शरीर को दुख दोगे तो वो पाप बनेगा और वो पाप आपको भोगना पड़ेगा। अच्छे आचरण करने वाले को अच्छा फल मिलता है, बुरा आचरण करने वाले को कभी अच्छा फल नहीं मिल सकता, ऐसा शास्त्रों का मत है और ऐसा संतों ने अनुभव किया है, ऐसे बड़े बड़े महापुरुषों ने अनुभव। तो कभी किसी का बुरा मत करो, कभी किसी की हिंसा मत करो, नाम जप करो, अच्छे आचरण वाले बनो, ठीक है ना? हाँ, और ये जितना भी भेद है ये हमारी तुम्हारी बुद्धि में है बच्चा, नहीं आप हम दोनों खड़े हो जाए, अब बताओ कहाँ माथे पे लिखा है कि तुम और हो और हम और है? वही खून, वही त्वचा, वही रक्त और वही भगवान के अंश, तुम वही भगवान का अंश,
कोई अंतर नहीं, अंतर केवल दिमाग में हमारे पड़ गया है और दिमाग में भर दिया जाता है। जैसे हम नए नए बच्चे हैं, अब कोमल हृदय है, अब इनको विरोध भावना से भर दिया जाए तो इनके अंदर विरोध भाव आ जाएगा, इनके अंदर सम भाव भर दिया जाए तो समता को प्राप्त हो जाएंगे। जैसे बहुत अच्छे बच्चे हो, खूब नाम जप करो, जो भगवान का तुम्हें नाम प्रिय लगे, और अच्छे आचरण से चलो, और जब कोई प्रश्न हो तब आकर के कर लो, ठीक है। बहुत अच्छा, स्वागत है आपका हृदय से। भाई अभी ये एक जो छोटी सी वीडियो जो है वो देखी है, और जिस तरह मैं कहूँगा उन्होंने बात की, और नो डाउट जो उन्होंने एक बीच में कहा ना कि दिमाग का फितूर और दिल में जो चीज़ भर दी जाती है वही चीज़ें जो है ना वो फ़र्क करना जो है वो शुरू कर देती हैं। वरना वाकई अगर त्वचा को देखा जाए, अगर जो है भाई खून के रंग को देखा जाए, वो तो सेम है, लोग बिल्कुल सेम है, आपने लोगों के अंदर क्या फीड कर दिया है ना वो बहुत मैटर करता है। बट मुझे ऐसे अच्छा लगता है कि गुरु ऐसे जब समझाते हैं, मतलब ऐसे गुरु और होने चाहिए हमारी सोसाइटी में जो आपको कोई भेदभाव नहीं सिखाएं। और अभी जैसे जो व्यक्ति आए थे, मतलब उन्होंने बोला कि वो मुस्लिम व्यक्ति हैं, और मतलब जिस तरीके से उन्होंने उनको समझाया, जितने हाँ। प्यार से, और जो उन्होंने पॉइंट्स रखे सामने, मतलब वो सारे ऐसे वाले थे। अभी मतलब मेरा ये दिल कर रहा था कि मैं और सुनूं, मजीद सुनूं इनको, इनके मतलब जिस तरीके से वो समझा रहे थे इतना अच्छा लग रहा था, क्योंकि वाकई में इंसान के दिमाग में भेदभाव होता है जो हम लोगों ने पैदा कर लिया हुआ। अदरवाइज ऊपर वाले की अगर हम लोग बात करें तो वो तो सबके लिए एक ही है, लेकिन हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं। अब इस चीज़ को समझना कुछ लोगों के लिए, उनको डाइजेस्ट करना बहुत बड़ा एक, मैं कहती हूँ कि एक युद्ध बन चुका हुआ है कि जिसको वो मानने से इनकार कर देते हैं। लेकिन अगर आपने चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है और आपने एक प्यार मोहब्बत से रहना है तो सब चीज़ें बहुत आसानी से हो सकती हैं। बट मैं ये भी साथ बोलूँगी कि जैसे गुरुजी ने बोला ना कि आप अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करोगे उसका अच्छा आपको परिणाम मिलेगा। बट हम लोग ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा ना अभी जैसे आज के टाइम में भी अगर हम लोग बात करें, आपके बहुत करीबी लोग जो होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट करते हैं। तो वहाँ पर मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है डिसीजंस लेना कि आप किस तरीके से, किस स्थिति में यू नो चीज़ों को हैंडल करो या क्या ऐसे डिसीजंस लो। तो मैं ये बात बोलती हूँ, हालांकि इसमें अगर हम लोग महाभारत का रेफरेंस ले तो हम लोग को समझ आता है कि आपको धर्म का पालन करना है, लेकिन मैं ये बात बोलती हूँ कि फिर भी आपको एक सिचुएशन में जब आप पढ़ते हो ना, तो उस सिचुएशन में आपको चीज़ें इम्प्लीमेंट करने में, जब स्पेशली आप बहुत करीबी लोग होते हैं तो बड़ा एक आप ना धर्म संकट में आप पड़ जाते हो कि अब हम किस तरीके से इसको जो है वो मैनेज करें। बाकी मैं ये भी बोलूँगी कि अपने मन को संभालना और समझाना जो है वो ही सबसे मुश्किल है, क्योंकि कोई भी स्थिति होती है, जैसे अभी मैंने एक ये वाली स्थिति बताई कि अपने जो आपके करीबी लोगों वाली है, फिर एक ये स्थिति भी कि सच में ऐसा होता है कि ना हमें पता भी होता है कि ये काम जो है वो सही नहीं है, उसके बावजूद हमें उसमें आनंद आ रहा होता है। तो इसीलिए मतलब जैसे हम लोग देखते भी हैं कि आपको अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल होना चाहिए, आपको यू नो अगर इन पर अपने मन पे कंट्रोल है तो आप चीज़ें जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाओगे। और मोस्टली मैंने यही देखा है कि हमें इसके बारे में नॉलेज होता ही नहीं है, और ना ही हमें इसके बारे में कोई ऐसा ज्ञान दिया जाता है कि हम लोग इस चीज़ को समझ सकें कि अगर हम लोग किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर हमारा अपने इंद्रियों पर या अपने मन पर कंट्रोल नहीं है तो हमें कैसा स्वभाव जो है वो बनाना चाहिए। यार देखें, इंसान जो है ना, मैं एक चीज़ इंसान के अंदर नोट करता हूँ कि इंसान हमेशा वही चीज़ बोलता है जो उसके अंदर जो है वो इंजेक्ट की जाती है। समटाइम्स जो है उसके अंदर अधूरा नॉलेज जो है वो इंजेक्ट कर दिया जाता है, जो उसको जो है ना एक तो डाइजेस्ट नहीं होता, और वो उस चीज़ को फिर अपने अल्फाज में जो है ना वो दुनिया के सामने जो है वो लेकर आता है। ऑन दी अदर साइड जो है ना ऐसे लोग होते हैं भाई जिन्होंने जो है ना अपना सीख सीख कर जो है ना वो नॉलेज जो है वो हासिल किया होता है, और वो दुनिया में कोई भेदभाव जो है वो नहीं करते। वो यही कहते हैं कि भाई प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें, क्योंकि सब एक जैसे ही हैं। जैसे बीच में जो है कपड़े की एग्जांपल दी, भाई दुनिया में तरह तरह का जो है कपड़ा बनता है। अब ये कपड़े के पे कोई नाम थोड़ी लिखा हुआ है कि फलाने का है, ये फलाने का है, सिर्फ ये ही इसे पहन सकता है। कोई भी उस कपड़े को जो है वो पहन सकता है अगर उसकी इच्छा है उसे पहनने की। तो मेरा ख्याल है कि ये एग्जांपल उन्होंने बहुत परफेक्ट जो है वो दी है कि इंसान जो है ना जिस्म जो है उसकी उसकी जो उसका शरीर है, उसकी बॉडी है, वो एक तरह का कपड़ा ही है, ठीक है। और उसके अंदर जो रूह है बेसिकली वही चीज़ है, जो मेन चीज़ है, और वो जो है एक तरह का इंसान को
तंग करती है, जो कपड़ा होता है उसे तंग करती है, क्योंकि भाई शरीर तो हर जगह नहीं जा सकता, लेकिन आत्मा का दिल करता है कि भाई वो हर जगह को जो है ना वो देखे। देखो फिर ये यहाँ पर मुझे जो हम लोग ने लास्ट टाइम पर मतलब वीडियो देखी थी हूँ एमआई वाली, मुझे कहीं ना कहीं पर वही चीज़ जो है वो याद आ रही है कि आपका आपकी कॉन्शियसनेस वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो मैटर करती है। आत्मा तो इट्स लाइक कि वो तो आज आपकी बॉडी में तो कल आपके कर्म की बिना पर किसी और की बॉडी में वो ट्रैवल कर जाएगी। लेकिन ये है कि अगेन मुझे ये चीज़ भी बड़ी अच्छी लगी कि अगर हम अपनी बॉडी को अपने शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे हमें तकलीफ होगी, इसी तरीके से अगर हम किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो हम अपने जो कर्म हैं वो इकट्ठे करते जाते हैं, और ये हमारे लिए ही जो है वो मैं कहती हूँ कि लाइफ को हम अपने आप अपने हाथों से कॉम्प्लिकेटेड जो है वो बनाना शुरू कर देते हैं। बाकी अगर मैं गुरुजी की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जो हैं वो भी इनके पास गए थे, क्योंकि मैंने कुछ पिक्चर्स जो हैं वो देखी हुई हैं, मुझे याद आ गई हैं बिल्कुल। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि लाइक अब जब हम लोग वीडियोस देखते हैं ना, उसमें इतने डिफरेंट पर्सपेक्टिव से समझाया जाता है ना लाइफ को लेकर और आपको कैसे कर्म करने हैं, कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आप समझ पाते हो उन चीज़ों को। सो आज भी बहुत अच्छा लगा, और मुझे ऐसी वीडियोस मतलब एक ना खुशी लेकर आती हैं, जब जिस तरीके से आप कह लो कि जो गुरु हैं वो जिस तरीके से समझाते हैं, क्योंकि देखो वो कितना उन्होंने खूबसूरती से बोला, उन्होंने नहीं बिल्कुल भी फोर्स किया कि भाई तुमने यही नाम लेना है, तुम ये पढ़ोगे तो तुम्हें सुकून मिलेगा या तुम्हारी लाइफ बेटर होगी। उन्होंने कहा जो भी तुम्हें जो तुम जिस पर तुम विश्वास रखते हो, जो भी तुम्हें आता है तुम उसी का जाप करो। और मुझे लिटरली ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि जो लोग हमेशा आपको इतनी खूबसूरती से गाइड करते हैं ना कि भाई आप जो करना चाहते हो, जिस पर आपका यकीन है आप उसी को फॉलो करो, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप मेरे कहने पर किसी जगह पर आओ। हाँ अगर कोई इंसान मतलब खुद अपनी मर्जी से कहीं पर भी एंटर होना चाहता है तो बिल्कुल वो जाए। तो मुझे लगता है कि ये जो एक आज़ादी है ना, ये जो फ्रीडम है, ये इतनी खूबसूरत है कि मुझे लगता है कि इंसान जो है ना सबसे ज्यादा इसी में ही खुश रहता है। ये चीज नहीं समझ पाता, हर कोई समझ नहीं पाता। मैं कहती हूं समझना जो है ना वो बहुत, क्योंकि ज्यादातर लोगों के दिमाग बंद हैं, ज्यादातर लोगों के दिमाग जो है ना वो एक दायरे के गिर्द ही घूम रहे हैं, और वो इस चीज को नहीं समझ पाते कि भाई फ्रीडम जो है वो क्या चीज है। वो समझते हैं बस वो जो कह रहे हैं सिर्फ वही फ्रीडम है। भाई मैं इस चीज से मैं तुम्हें बता देती हूँ, जैसे उनकी जो उनका चेहरा था वो ब्लर किया हुआ था, तुम यहाँ से देख लो कि कितना फ्रीडम है, ठीक है ना। और कितने लोग जो है डाइजेस्ट कर पाएंगे कि उनकी जो चेहरा था वो ब्लर किया हुआ, क्योंकि उनके जो सराउंडिंग में लोग होंगे अगर उनको पता चलेगा डेफिनेटली कोई उनको दिक्कत होगी उस चीज से, तो जिसकी वजह से उन्होंने बोला होगा कि मेरा चेहरा जो है वो ब्लर कर दीजिएगा। तो ये चीज है कि हमारे में कितनी एक्सेप्टेंस है ये चीजों का, मुझे लगता है कि हम लोगों को खुद जो है मालूम होना बहुत जरूरी है। बाकी आप जरूर बताइएगा ये आज की वीडियो के बारे में कोई ऐसी डिटेल, कोई ऐसी बात जो हम लोग ना सोच सके हो, जो हमें ना समझ आ चुकी हो, वो कमेंट सेक्शन में एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आप समझाना चाहें तो जरूर आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। गुड बाय।